दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपको बताऊंगा कि एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन को आप कितनी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है, 6534/22 इजल टू क्या। इसमें ऑप्शंस दिया हुआ है 197B, 297, 3, 321। ये हमारे पास ये मास्टर की होती है, यहाँ से हम इसको बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये हमारी जो संख्याएं होती हैं इसको हम आपस में जोड़ते हैं। देखिए जोड़ने पर आ गया 6, 5, 11, 11 और 3, 14, 14 और 4, 18। इसको हम क्या करते हैं, सिंगल बनाते हैं हम, 8 और 1, 9। इसको हमने जोड़ा यहाँ पे 1+8=9। ऐसे ही हम इसको जोड़ेंगे 2+2=12। तो हम क्या करते हैं, इसमें इस 9 को देखिए, इसको हम ऐसे करेंगे तो 9 4 हो गया। क्या हो गया, ये 9 हमारा ये हो गया, इस 4 हमारा कहाँ पर आया, यहाँ पर 4 आया हमारा, तो कितना हो गया यहाँ पे 7। इसके हम यहाँ पे गुणा कर देंगे 7 की 9 7 63। 63 को आप जोड़ेंगे 6+3, ये 9 हो गया। देखिए यहाँ पे इसका भी आंसर 9 आया, इसका भी आंसर 9 आया। तो हम यहाँ पे देखते हैं किसका 9 आता है, वही आंसर सही होगा। देखिए 1+9+7 इक्वल टू 9 और 1 10, 10 और 7 17। इसको हम सिंगल करेंगे तो 1+7=8 आ गया, यानी ये आंसर नहीं है। दूसरा 2+9+7=9 और 2 11 और 7 18। इसको हम सिंगल करेंगे 1+8=9, 9 हो गया। ठीक है, तीसरा करेंगे 3+2+1 बराबर 3 और 3 6, ये सिंगल है ऑलरेडी। देखिए यहाँ पर हमारा ये 9 आ गया, यहाँ पे हमारा 9 आया, और यहाँ पे हमारा 9 है, और यहाँ पे हमारा 9 है। तो इसका मतलब ये है, देखिए इसका मतलब ये है, हमारा ये वाला क्वेश्चन सही है, ये बी आंसर हमारा ठीक है। तो इस तरीके से आप भाग विधि से, बहुत ही सरल विधि से इसको सॉल्व कर सकते हैं। एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आते हैं बहुत आसानी से सॉल्व करके आप अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आई हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।